नमस्ते बालाजी हिंदी डायरों में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो और नो कॉन्टेक्ट का सिचुएशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखे, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखे और बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग होगी 27 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक। आप इस रीडिंग को खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो उतना ही जितना कि आपके साथ रेजोनेट करता है। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज यानी मेष राशि, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। एरीज यानी मेष राशि, पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। एरीज नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, एम्परर के कार्ड आए हैं। बैक टू मेजर अर्कना के कार्ड है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन एंड एम्परर का कार्ड आया है। मुझे लगता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो एरीज, वो कोई एरीज भी हो सकता है, कोई टॉरस, कोई भी राशि के हो सकते हैं, 12 के 12 राशि हो सकते हैं, क्योंकि मेजर अर्कना के कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं। ये बंदा या बंदी अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहा है, करंटली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहा है। रिश्ते में ये अभी रिश्ते के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोच रहा है, दिखा नहीं रहा है, सोच तो बहुत रहा है। इनके ओवरनाइट जो थिंकिंग है वो चल रहा है, रातों को सो नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि जो स्थिति रिश्ते में चल रहा है ऐसा नहीं होना था, क्योंकि उनको लगता था कि रिश्ते जो है ये उनके मर्जी से चलते हैं, ये अपनी तरीके से रिश्ते को चलाते थे, हमेशा अपनी मर्जी के मालिक, जो ये चाहते थे वही होता था रिश्ते में। लेकिन फिर भी इस रिश्ते में नो कॉन्टेक्ट का सिचुएशन चला आया है। हो सकता है पहले आप इनके मुताबिक चलते थे, ये जो बोलते था आप वही करते थे, जो उनको अच्छा लगता है आप वही करते थे। लेकिन अभी जो मुझे लगता है एरीज, आपने अपने तरीके से सोचना शुरू कर दिया और ये इनको परेशान कर रहा है, क्योंकि रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन और अपना कंट्रोल तो ये हमेशा रख रहे थे, लेकिन ये अभी ये नहीं कर पा रहे। लेकिन इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए। हो सकता है ये कोई अच्छे पोस्ट को होल्ड करते हैं, कहीं अपनी जो डिग्निटी है उसको हमेशा मेंटेन करते हैं, घर में भी और बाहर में, मतलब रिश्ते में भी, ऑफिस में भी, बिजनेस में भी, तो ये इसी तरीके से रिश्ते को चला रहे थे। लेकिन अचानक से आप में परिवर्तन आया है और आपने रिश्ते को उस तरीके से चलाने से या फिर उनके बात सुनने से इनकार कर दिया, तो इनको परेशानी शुरू हो गई। अभी ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भी इंतजार कर रहे हैं, साथ ही साथ आपकी तरफ से कोई गुड न्यूज आए, आप टेक्स्ट करो, कॉल करो, मैसेज करो, कुछ बातें करो इनसे, इसका इंतजार ये कर रहे हैं। खुद से एक्शन लेना अभी करंटली ये नहीं सोच रहा है, लेकिन ये मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है। लेकिन ये किसी को ये बात बता भी नहीं रहे हैं, दिखा भी नहीं रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है, इंतजार कर रहा है कि कब आपके तरफ से कोई कांटेक्ट आएगा। ये सोच सोच के बंदा
या बंदी जो भी है रात को सोते भी नहीं है, जगे रहते हैं कि कब आखिर कब आपके तरफ से कांटेक्ट करोगे आप। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कि ये पर्सन जो है ये चाहते क्या है। एरीज, हाई प्रिस्टेस, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। कहीं ना कहीं मैंने पहले ही कहा कि ये जो पर्सन है ये खुद को बहुत अच्छी तरीके से संभालना जानते हैं, अपनी अथॉरिटीज को मेंटेन करना जानते हैं। ये आपके साथ रिश्ते में रहना तो चाहते हैं लेकिन अपने तरीके से रिश्ते को मौका देना चाहते हैं। फिलहाल ये आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे लगता है इनके पास आपके अलावा भी रिश्ते हैं, या तो ये आपके साथ शादीशुदा है या फिर शादीशुदा होने के बाद भी इनके पास कोई और रिश्ता है, और ऐसा नहीं है तो किसी और के साथ शादीशुदा है, इनके पास आप भी हो, या तो ये या तो आप, दोनों में से कोई एक डेफिनेटली शादीशुदा है। और ये बंदा या बंदी अभी चुपचाप चीजों को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, ये देखना चाहते हैं कि क्या हो। पहले ही अपने परिवार को संभालेंगे फिर ये आपसे मिलने आएंगे। ये हमेशा ऐसा सोच रहा है कि अगर आपके तरफ से कुछ कनेक्शन को कनेक्ट करना नहीं हुआ तो ये एक्शन लेंगे, ऐसा ये सोच रहे हैं। कभी कभी इनको लगता है कि आपके प्रति इनका जो अट्रैक्शन है ये बहुत ज्यादा फील करने लगे हैं। कभी कभी इनको लगता है नहीं, चुपचाप ऑब्जर्व करते हैं, जब बाद में सब कुछ सही करेंगे, मिलके बातें करेंगे, पहले परिवार के बारे में सोचे। पैसा जो कमा रहा है वो परिवार के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है, कभी कभी आपके साथ भी परिवार बनाने के बारे में सोच रहा है। इनको ये लगता है कि पहले फिनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी तरीके से मेरे पास आ जाए, वैसे इनके पास पहले से ही है जिनका भी एनर्जी आ रहा है, फिर भी ये चाहते हैं फिनेंशियल स्टेबिलिटी और वो परिवार के लिए खर्च किया जाए, फिर रिश्ते को मौका देना चाहते हैं दोबारा। अगर ये आपके साथ शादीशुदा है तो ये शादी को मौका देना चाहते हैं, डेफिनेटली ये आपके साथ रिश्ते में आना चाहते हैं। बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं इन दिनों आपके तरफ, साथ ही साथ इनको ये लगता है कि इनके पास अगर और कोई रिश्ता है या फिर आपके पास कोई और रिश्ता है जो इनको ऑलरेडी पता है या फिर आपको पता है, तो वो उसी रिश्ते को, ये अगर आप हो तो उस रिश्ते में भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं, लेकिन अभी ये अपने फिनांस को स्टेबल बनाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। वैसे ये स्टेबल है, हो सकता है इनको कोई प्रमोशन चाहिए, हो सकता है ऑफिस में, हो सकता है बिजनेस में और अच्छा पोजीशन इनको लेना है, तो इसी वजह से ये मेहनत कर रहे हैं। ये मेहनत को भी करना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं अपनी स्टेबिलिटी की, साथ ही साथ रिश्ते में भी इनको स्टेबिलिटी मिले, प्यार मिले, इसका भी कोशिश ये कर रहे हैं और ये चाहते भी हैं। इसके लिए अगर किसी की मदद भी लेना पड़े तो ये लेंगे। देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा। एरीज, एरीज आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न किसी एरीज के साथ भी डील कर सकते हो, कोई सजिटेरियस हो सकता है, वैसे 12 के 12 राशि हो सकते हैं क्योंकि इतनी इतने में तीन तीन मेजर और कैसे कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं। देख लेते हैं एरीज, आपके पर्सन अगर एक्शन लेता है तो क्या एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा।
मुझे लगता है फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी जरूरी है। हो सकता है ये अच्छे पोस्ट पर है, पोजीशन पर है, लेकिन ये अभी उतावले हैं बहुत ज्यादा अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को इनहेंस करने में। लेकिन रिश्ते को लेके ये डिसीजन जरूर लेंगे। अगर आपके साथ इनका लव रिलेशनशिप है शादी के अलावा तो भी ये डिसीजन लेंगे, आपके तरफ आएंगे। और अगर आपके साथ शादीशुदा है तो भी ये शादी को स्टेबल बनाने के बारे में सोचेंगे। कहीं ना कहीं इनके मन में दोनों ही चीज मतलब पैरेलल चल रहा है कि मुझे दोनों सही करना है, लेकिन सबसे पहले पैसों की इंतजाम तगड़ा करना पड़ेगा। और इनका एक नेचर भी है हर चीज को अपने तरीके से करने की, तो ये उसी वक्त का इंतजार कर रहे हैं। देख लेते हैं इनका एक्शन। फोर ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये जो कार्ड है ये फोर ऑफ वॉन्ड्स, इलेवन इलेवन का कार्ड है। बहुत जल्दी ये रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। आप दोनों के रिश्ते में कोई डिसीजन लिया जाएगा प्यार के मामले में। ये चाहते हैं कि रिश्ते को लेके डिसीजन लिया जाए अगर आप शादीशुदा नहीं हो। जैसा कि मैंने कहा ये बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं आपके तरफ। कुछ लोग शादी करना चाहते हैं जो लव रिलेशनशिप में है, जो नहीं है, जो ऑलरेडी शादीशुदा है वो शादी को स्टेबल बनाने के बारे में सोचेंगे, और जो शादीशुदा भी है लेकिन लव रिलेशनशिप में है वो रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेना चाहेंगे, क्योंकि उनके लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। एक है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और लेकिन जो भी ये करेंगे अपने हिसाब से अपने वक्त में करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये शादीशुदा है और शादी को भी बचाएंगे, इस रिश्ते को भी बचाएंगे ऐसा सोच रहा है। अगर शादी के रिश्ते में नो कांटेक्ट है तो डेफिनेटली शादी बच रहा है। अगर प्यार के रिश्ते में नो कांटेक्ट है तो भी ये रिश्ता बच रहा है, रिश्ते में एक्शन लेगा, रिश्ते को लेकर डिसीजन लेगा। ये इतने दिनों तक अगर ये सीरियस नहीं थे तो अभी ये सीरियस नोट में रिश्ते को देख रहा है। अभी हम देखेंगे एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। एरीज, यस, द सिचुएशन विल बी इंप्रूव। ये जो स्थिति है ना रिश्ते की ये इंप्रूव होगा, ये होना ही होना है। मेजर अरकाना के ऑलरेडी कार्ड आ चुके हैं और ये बंदा एक्शन भी ले रहा है। तो जो भी स्थिति आप लोगों की रिश्ते का चल रहा है ऐसा स्थिति नहीं रहेगा, ये स्थिति परिवर्तन होगा। आज जो स्थिति है ये डेफिनेटली परिवर्तन होगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो, अगर आप क्रॉस वॉचर भी हो, अगर आप सोच रहे हो कि कितने दिनों तक नो कॉन्टेक्ट रहेगा, ऐसी स्थिति कब तक रहेगी, बहुत दिनों तक नहीं रहेगी। ये सिचुएशन इंप्रूव होगा क्योंकि एंजल जो है, यूनिवर्स जो है, एंजल जो है वो हमेशा हमारे लिए सोचते रहते हैं, काम कर रहे हैं, जो सही होगा हमारे लिए वो करेंगे। साथ ही साथ ये जो पर्सन है ये आपके साथ एक सोलमेट वाला, ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता महसूस करता है, चाहे शादीशुदा हो चाहे लव रिलेशन हो, तो ये आपके बगैर रह नहीं पाएगा और बहुत जल्दी ये डिसीजन लेके एक स्टेबल ऑफर लेके आपके तरफ आ रहे हैं और आपको वो सिक्योरिटी जो आपको चाहिए। हो सकता है ये बहुत ज्यादा इन एंड आउट होता रहता है, आपको कभी भी सिक्योरिटी नहीं दिया है तो ये अभी आपको सिक्योरिटी ऑफर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।